आज मैं बहुत ही अच्छा समर स्टार्टर बना रही हूँ जो इस गर्मियों के लिए परफेक्ट है और जो बेहद लाइट है। तो हम बना रहे हैं ये समर स्टार्टर वाटरमेलन से। तो मैंने फ्रिज में वाटरमेलन के क्यूब्स काट के रखे हैं। ये देखिए, ऐसे मैंने क्यूब्स काटे हुए हैं वाटरमेलन के बड़े बड़े से, और जितने हो सके उतने मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। और यहाँ पे ये मेरे पास हंग योगर्ट है, जो दही होता है ना, वो दही का चक्का है ये। तो ये जो दही का चक्का है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, मेरे पास ये अनियन ग्रीन्स है, मैं कुछ अनियन ग्रीन्स डाल देती हूँ। आप सूखा वाला प्याज भी यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास फ्रेश वाली मिर्ची है, हरी मिर्च है, मैं थोड़ी सी वो भी डाल देती हूँ। और ये ऑलिव है, ये हम लास्ट में यूज करेंगे। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ, ये भुना हुआ जीरा है मेरे पास, जिसको हमने क्रश कर लिया है, मैं थोड़ा सा ये भी डाल रही हूँ। कुछ पुदीने के पत्ते हैं, जिसको हमने पानी में भिगा के रखा है ताकि वो फ्रेश रहे। छोटा छोटा तोड़ के ये दही के चक्के में डाल दूंगी। एक्चुअली ये जो सारी चीजें जो मैंने ली है ना, कि वाटरमेलन है, पुदीना है, दही है, जीरा है, इवन प्याज भी, ये सब के सब है ना समर के बेस्ट फ्रेंड है। मतलब जितनी गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, ये सारी चीजें आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी और काफी कूलिंग इफेक्ट वाली है। तो समर में मैं ये सब का भरपूर यूज करती हूँ। और ये सारी चीजों को मैं मिला लेती हूँ। मैंने अभी इसके अंदर नमक नहीं डाला है, क्योंकि दही में जैसे ही नमक डालेंगे ना, तो नमक पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो बस सिर्फ ये अभी मैं एक मिक्स करके रख देती हूँ। और यहाँ पे ये वाटरमेलन लेके, मेरे पास ये मेलन स्कूपर है, मैं उसका यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप चम्मच, नाइफ, छुरी किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे बेसिकली एक कैविटी बनानी है बीच में, तो मैं ये ऐसे इसको डाल के ये घुमा देती हूँ, ताकि मुझे ऐसी एक अच्छी सी कैविटी मिल जाए। जब हमने ये कैविटी बनाई थी, तब जो बीज अंदर वाले जो छुटके बैठे हुए हैं ना, वो अभी दिखने लगे हैं। तो मैं हल्के से उसको भी निकाल देती हूँ, जितना हो सके उतना आप निकाल दीजिए, ताकि वो खाने में आसानी हो जाए। मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें कोई कुकिंग नहीं लगती है, बस चीजें इधर उधर से ले आइए, मिलाइए और बस बन गया। अब मैं लास्ट में इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा नमक, बहुत ज्यादा भी नहीं डालेंगे। और अब मैं मिला लेती हूँ इसको। कितना सिंपल है ना, बस चीजें इधर उधर से इकट्ठे करके मिला दीजिए एंड वाटरमेलन में डाल दीजिए। और मैं ये सीधा सर्विंग प्लेट ही ले लेती हूँ, और रख देते हैं ये वाटरमेलन के पीसेस। और अब मैं ये चम्मच से, आप चाहो तो पाइपिंग बैग से भी भर सकते हो, तो ये मैं चम्मच ले लेती हूँ छोटी सी, और बीच में मैं रख देती हूँ। तो आप बना लो और बस 10-15 मिनट इसको फ्रिज में रख के फिर खाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट वाटरमेलन जितना ठंडा होता है ना, उतना ही अच्छा लगता है। आप ये सिर्फ कैविटी जितना ही मत फील कीजिएगा, उसके ऊपर तक आए उतना फील कीजिएगा, क्योंकि ये दही का चक्का इतना टेस्टी लगता है ना वाटरमेलन के साथ, तो जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा लगेगा। और अब मेरे पास यहाँ पे ऑलिव्स है, तो मैं इसके ऊपर एक एक ऑलिव रख रही हूँ, ऐसे राउंडल में कटा हुआ। अगर आपके पास नहीं है तो बिना ऑलिव के भी चलेगा, बस ऑलिव से एक अच्छा सा खट्टापन आ जाता है, और ब्लैक ऑलिव्स भी चलते हैं, ग्रीन वाले भी चलते हैं। तो मैं बस ऊपर ऐसे एक ऑलिव की रिंग रख देती हूँ। और ये मेरे पास अनियन ग्रीन्स है। एक्चुअली जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, उसको पतला पतला मैंने ऐसे काट लिया है, और ये बर्फ वाला पानी है, एकदम चिल्ड पानी में डाल दिया है,
और डाल के आप 10 मिनट छोड़ देंगे ना, तो ये देखिए कितना अच्छा ये ऐसे राउंड राउंड बन जाता है। ये डेकोरेशन के लिए बहुत काम में आता है, तो मैं ये लेके ऊपर बस रख देती हूँ। ये सब है ना प्रोफेशनल की ट्रिक्स होती है कि आपकी प्लेट एकदम से वो एनहांस कर देती है। और प्याज हमने वैसे ग्रीन वाले इसमें डाले थे, तो ये पता भी चलेगा कि अंदर हमने यही वाले प्याज भी डाले हैं। थोड़ा सा जीरे का पाउडर डाल देती हूँ, ये जो हमने भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला था ना, बस वो ही। तो तैयार है फटाफट से बनने वाला मेरा वाटरमेलन स्टार्टर। ये मेरे लिए है। सो गुड, रियली गुड।